वाओ, नाश्ता तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है। दिल से जो बनाया। दिल। अच्छा एक बात तो बताओ, ये जो इतनी सफाइयाँ, ये आओ भगत, ये सब कुछ किस चक्कर में हो रहा है? Is there a special reason for this? नहीं, फिर छोड़े मामा। कोई मीटिंग है आपकी, आज कहीं जाना है, anything special? You know this very well कि मैं वीकेंड्स को कोई मीटिंग नहीं रखती हूँ। 5 दिन ऑफिस के, 2 दिन घर के। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं किरण? मैंने सोचा कि मैं आपके सर पे ऑयलिंग कर देती हूँ। मैंने बहुत अच्छा एंटी एजिंग ऑयल मंगाया। एंटी एजिंग? एंटी डैंड्रफ। एंटी डैंड्रफ? ओह, दिस इज अ बिट टू मच। ये जो इतनी स्वीट बन रही है, जरूर कोई मुतालबा मनवाना है इसने। आप क्या सोच रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। आप नाश्ता शुरू करें, मैं ऑयल लेके आ रही हूँ। रुको, बैठो। ऑयल? असल मुद्दे पे आइए किरण। मुद्दा? कौन सा मुद्दा? आप बोल रही है कि मैं आपकी माँ हूँ, अब मैंने आपको पाला है, आपने मुझे नहीं पाला, तो ये बताओ कि लड़का कौन? लड़का? जो सवाल किया उसका जवाब दो। कौन है वो लड़का? मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि शादी करें। लेकिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि जब तक तुम अपने पांव पे खड़े नहीं होगे तो मामा से नहीं मिलोगे। लेकिन अब माशाल्लाह से वो सेटल हो गया और उसका बहुत अच्छा बिजनेस है। आई न्यू इट। अच्छा ये बताओ कि कौन लोग हैं, कैसा खानदान है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है? फैमिली तो कोई नहीं है मामा उसकी। क्या? यानी मेरी बेटी को एक ऐसा लड़का पसंद आ गया जिसकी कोई फैमिली नहीं है? नो वे, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। पता नहीं कौन लोग हो, कहाँ से हो वो लड़का, हमें क्या पता। वो मीना बाजी की बेटी याद है, उन्होंने भी एक यतीम लड़के पे तरस खा के शादी तो कर दी थी, लेकिन बाद में वो लड़का एक नंबर का फ्रॉड निकला था और उनका सारा पैसा हड़प करके चलता बना था। नो वे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा हाथ एक ऐसे लड़के के हाथ में नहीं दे सकती किरण, जिसकी कोई फैमिली नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मामा, वो यतीम मस्कीन नहीं है, उसकी फैमिली है। फैमिली है? तो तुमने अभी कहा कि फैमिली नहीं है? नहीं है। नहीं है? पाकिस्तान में, मुल्क से बाहर है। तो ये कहो ना, मुझे डरा ही दिया किरण। लेकिन अब वो आपसे मिलना चाहते हैं मामा। हाँ ठीक है, मैं मिलूंगी। अब उसे कहो अपने पेरेंट्स को लेकर आ जाए। लेकिन लेकिन क्या? उसे मिलने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगी। ऐसा नहीं होगा। पहले मैं उसको देखूंगी, उसकी फैमिली को देखूंगी, जांचूंगी, परखूंगी और फिर शायद अपना फैसला हाँ मैं दूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फौरन हाँ कर दूंगी। ओके ओके, आप जांचें परखें, लेकिन मिल लें। ऐसे भारे मियाँ को आज यहाँ होना चाहिए था आपकी बेटी की भी से। वो नहीं है। मर गए? हाँ? नहीं, मरे नहीं है। शादी के 2 साल के बाद ही हमारा डिवोर्स हो गया था। ब्रिलियंट। क्या? I mean, तुमने जिंदगी भर अकेले परवरिश की बेटी के, वो भी इतनी अच्छी। That's brilliant. 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 किरण बता रही थी कि आपने भी शेरी की मम्मी की डेथ के बाद बड़ी हिम्मत से पाला है उसे। मैंने हर तरह कोशिश की कि अपनी माँ की याद नहीं मेरे टीपू को। टीपू? टीपू कौन है? वो एक्चुअली मेरा निकनेम टीपू है। दीप, मगर आपका नाम तो शहरयार है और आपका निकनेम शेरी है, तो फिर टीपू कहाँ से आ गया? हाँ तो मेरा पूरा नाम शहरयार शेरी टीपू है। बहुत अजीब नाम है ये तो। हम किस बहस में पड़ गए? मामा कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह से इतने अरसे के बाद किसी ने मुझे वी कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिलावर अंकल की बात नहीं कर रही, मैं तो शेरी का पूछ रही हूँ।
हाँ तो ठीक है ना, मतलब तुम्हारी पसंद है तो ठीक है। हाँ तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझू। क्या हुआ? मर गया। दिल? दिल का पुराना दर्द फिर से उठा है। डॉक्टर को बुलाए? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। मैं बस थोड़ी देर आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। बस सोया नहीं हूँ ना दो दिन से, अब लगता है अगले दो दिन भी नींद नहीं आएगी। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप गेस्ट रूम में लेट जाएं, थोड़ी देर आराम चले? अरे नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इनके दिल के दर्द को अच्छे से जानता हूँ, ये घर जाते ही ठीक हो जाएगा। ओके अरे देखो ना उनको चक्कर आ रहे हैं। आप मेरे साथ हैं? वो सही कह रही, मुझे जाना चाहिए। आप ऐसे ऐसे बाजू रखे, आ जाए आ जाए। यस प्लीज थैंक यू। ये क्या हो रहा है? हाँ मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा शेरी। अब कुछ समझ भी नहीं आएगा, ये दोनों ना हम दोनों को मियाँ बीवी नहीं बहन भाई बनाना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी मामा ना अंकल दिलावर की पहली मोहब्बत है और वो भी उन्हें चाहती हैं। तुमने सुना नहीं, वो उन्हें दिलावर की जगह दिल बोल रही थी और वो उन्हें बी। What? ध्यान से अब ठीक है? सॉरी यहाँ यहाँ बस एक स्टेप और। हाँ बेहतर हूँ मैं, आई एम बेटर, थैंक यू थैंक यू। अच्छा आप आराम करें, कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर शाम में मिलते हैं। अब आराम कहाँ है? नहीं करें ना ऐसी बातें। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है।